भाई एक बात होती है, पुरानी जगहों पे आते हैं तो बड़ा आपको सुकून महसूस होता है, तो मुझे अभी वही लग रहा, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। दक्खन की पुरानी इमारतें, ठीक है लोगो, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ऊंचा है भाई ये तो। कैनन है भाई, डायरेक्ट देखो इधर आओ, एंट्रेंस पे ही कैनन लगा दिए, अगर कोई दुश्मन आता है तो डायरेक्ट यहाँ से फायर सीधा। हम लोग आए किसी पुरानी जगह पे और आपको ये हार्ट के सिंबल ना दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडियंस है ना भाई हम लोग, तो पुरानी आदत है हमारी ख़राब करने की चीज़ों की। मजाक नहीं, शाम में बिल्कुल हॉरर जगह बनती भाई ये। तो भाई हम लोग आ चुके एक डेड एंड पे, एंड है लेकिन हम में है चुल, हम तो जाएंगे आगे, हम में है जो नहीं दिखाता कोई वो हम दिखाएंगे आपको। भाई और ऊपर होते जा रहा है यार ये तो, कितना ऊपर है, रे 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 रे। थोड़ा ऊपर आते आते हम लोग थक गए थे, थोड़ा यहाँ पर स्टॉप लिया है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। तो इस व्लॉग में मैं, जैसा कि एज यू नो दैट आई एम इन हैदराबाद, सो आई केम हियर टू विजिट गोलकोंडा फोर्ट, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कुछ अच्छी तस्वीरें इस फोर्ट की। चलो भाई, तो शहर की ट्रैफिक को बाय बाय करते हुए, सिक्योरिटी चेक से गुजरते हुए हम लोग लेते हैं एंट्री गोलकोंडा फोर्ट के अंदर, और अंदर आते साथ ही बिल्कुल सामने हमको दिखती है ग्रीनरी ही ग्रीनरी और फोर्ट की खूबसूरत दीवारें, और बिल्कुल जो है रॉयल फीलिंग आती है, बैक इन द टाइम हम लोग चले जाते हैं पुराने ओल्ड टाइम्स में। वहाँ से हो गई हमारी एंट्री, वो मेन गेट है, ये सेम गेट चार मीनार का भी ऐसे ही दिख रहा था गेट, सब सेम स्टाइल में बने हुए ये। टिकट काउंटर हम लोग ले लेंगे भाई टिकट, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू स्टैंड इन क्यू देन यू कैन डायरेक्टली स्कैन दिस QR कोड। अगर आपको गोलकोंडा फोर्ट आना है तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है जुबली हिल्स, जुबली हिल्स आके आप डायरेक्ट ऑटो या रैपिडो करके, कैब करके डायरेक्टली आप जो है गोलकोंडा फोर्ट आ सकते हैं। ये लिखना ज़रूरी है भाई, डू नॉट स्पीड बोले, ये इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, थूकना नहीं बोले, ठीक है लोगो, माशाल्लाह माशाल्लाह अमेजिंग भाई, हाँ कितना ऊंचा है भाई ये तो, ये पुराना आर्किटेक्चर देख लो यार। एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लेस, और बड़ी ही आइकॉनिक प्लेस है, हिस्टोरिकल भी, सारी यहाँ की जो वाइब्स है पुरानी वाइब्स, और पूरी रॉयल फीलिंग आ रही है। बिल्कुल एंट्री के साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं बैक इन द टाइम, पास्ट में आप लोगों को लेके चलूंगा और यहाँ के कुछ अमेजिंग फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जितना भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है भाई, जाइगेंटिक आर्किटेक्चर भाई, काफी ऊंचा, इतना ऊंचा दरवाजा है बे, ठीक है हाथी वाती घुसा दी थी। तो अराउंड 1496 में इस फोर्ट को बनाया गया था उस वक्त के किंग के द्वारा, बाद में 16 सेंचुरी में बाय कुतुब शाही डायनेस्टी के रूलर कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा ये फोर्ट को एडवांस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया। एडवांस टेक्नोलॉजी इन द सेंस जो इसके अंदर आर्किटेक्चरल जो एक साउंड सेंसिटिव सिस्टम इन लोग ने बनाया था, ऊपर जो है रूलर बैठा होता था और उसको अगर कुछ सिग्नल देना होता था तो ये लोग क्लैप्स के द्वारा जो साउंड्स होते थे वो हल्के साउंड्स भी उस रूलर के पास पहुंच जाते थे। तो इसके अलावा इन्होंने इसमें हंड्रेड्स ऑफ कैनन्स भी जो है डिप्लॉय करी थी, और इस किले के आसपास मतलब अराउंड जो है इस किले के 8 दरवाजे हैं, 8 गेट्स है, और सीक्रेट पैसेजेस भी है ऑफ कोर्स, जैसे कि दूसरे किलों में भी होता है कि सीक्रेट पैसेजेस होते हैं रूलर को, अगर कोई एग्ज़िट, अगर इमरजेंसी एग्ज़िट करना हो, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होती थी, तो वो सारी चीज़ें इस किले में मौजूद है। और इसके अलावा प्रोटेक्टेड वाटर सोर्सेज भी थे कि अंदर जो इनकी सिविलाइजेशन होती थी, अंदर जो इनकी पॉपुलेशन होती थी उनके लिए वाटर सोर्स हो, तो वो भी मौजूद था। मॉर्चुरी बाथ बिल्ड इन द स्टाइल ऑफ पर्शियन टर्किश बाथ, ओके आई थिंक ये पुराने ज़माने का बाथरूम है शाही, अंदर तो जा नहीं सकते, रिक्वेस्ट एंशियंट मॉन्यूमेंट, अच्छा ठीक है। तो भाई ये एंशियंट बाथरूम है, ठीक है
इनका शावर वगैरह अंदर शायद बाथटब, नल का कनेक्शन कहाँ से लिया पता नहीं मेरे को पर ठीक है। तो भाई एंट्री पे ही डायरेक्ट इन्होंने बाथरूम रख दिया, बोले अंदर आ रहे तो नहा के आओ बोले कैनन है भाई डायरेक्ट, देखो इधर आओ कम यार, एंट्रेंस पे ही कैनन लगा दिए, अगर कोई दुश्मन आता है तो डायरेक्ट यहाँ से फायर सीधा। सही है सेफ्टी भाई। चलो बता दे आपको, हमारा कैमरामैन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा स्टेबल रख के चलना ठीक है। तो ये भाई ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस दिखा दो थोड़ा सा, फुल मेंटेन्ड है बगीचा, और विंडोज देख लो भाई कितनी है, 1 2 3 4, फुल वेंटिलेशन का ख्याल रखा है भाई, हवा आते रहे। सोल्जर्स रहते होंगे इसमें सिक्योरिटी के लिए, मे बी पॉसिबिलिटी है सोल्जर्स वगैरह रहते होंगे इसमें। तो आप लोगों को गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताता चलूँ, गोलकोंडा सिर्फ इस किले को ही नहीं, गोलकोंडा नाम से सल्तनत भी थी, गोलकोंडा नाम से एक बड़े एरिया को भी बोला जाता था। गोलकोंडा एक नेम जिसको तेलुगु में उसका मीनिंग है गोलाकोंडा, विच मीन्स शेपर्ड्स हिल। भाई एक बात होती है, पुरानी जगहों पे आते हैं तो बड़ा आपको सुकून महसूस होता है, तो मुझे अभी वही लग रहा, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, गोलकोंडा डायनेस्टी जो थी, गोलकोंडा फोर्ट जो था, उस ज़माने के अंदर हीरे की कैपिटल भी हुआ करता था, डायमंड कैपिटल भी हुआ करता था, और गोलकोंडा सल्तनत के अंदर एक कोल्लूर माइंस बोल के एक खदान भी थी हीरे की। और जो दो बहुत ही फेमस हीरे जो हम लोग को पता है, कोहिनूर हीरा और दरियाए नूर हीरा, वो इसी माइन से निकाला गया था, और यही एक रीज़न बाद में बना था जो जिसकी वजह से औरंगज़ेब ने कुतुबशाही डायनेस्टी के किंग से वॉर कर दी थी गोलकोंडा फोर्ट को हासिल करने के लिए। हम लोग आए किसी पुरानी जगह पे और आपको ये हार्ट के सिंबल ना दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडियंस है ना भाई हम लोग, तो पुरानी आदत है हमारी ख़राब करने की चीज़ों की, हार्ट बने हुए, आई लव दिस आई लव दैट, क्यों ख़राब करना भाई चीज़ों को, ठीक है, बट कोई नहीं, पुराना खंडर टाइप थोड़ा सा हो चुका है उधर साइड, तो इस वजह से वी विल गो टू द नेक्स्ट प्लेस। पाथवे बना हुआ है इधर, ये तारामती मस्जिद है ये वाला, तो ये जैसे कि वो बोल रहे थे वो चचा कोई, तो बोले ये मस्जिद है तारामती मस्जिद, ये उन्होंने नाम बोले मैंने सुना, बीच में पॉन्ड है, देख के आना थोड़ा कैमरामैन भाई ये देखो, ये लाइट से आई थिंक रात में पूरा जलता होगा लाइट, पूरा स्टोन से बना हुआ है भाई, ऑलमोस्ट स्टोन, पूरा स्टोन है ऑब्वियसली भाई। देखो ये तीन दरवाजे, ठीक है, ये हाई लेवल के ऊपर आर्किटेक्चर है इसका डिज़ाइन, तो उसमें बता देता मैं, बीच में मस्जिद है, ओपन स्पेस है, बावली, बावली मीन्स तुम्हारा वेल, ओपन स्पेस लंगर खाना, ओपन स्पेस अस्तबल वगैरह लगाने के लिए अपना घोड़े या कैमल्स, और वे टू सीडाडेल, सारी चीज़ें का एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से पूरा एक ग्राफ या लेआउट बोल दो वो मौजूद है। अंदर काफ़ी ठंडा लग रहा भाई, लो लाइट हो जाएगा भाई अंदर, अंधेरा है, आई होप दिखा पाऊँगा भाई, केव वेव भी होंगी इधर, ठीक है। एकदम हॉट धूप थी भाई, अंदर एकदम चिल सीन है, ठंडा लग रहा, अंदर ही रुकने का भाई मेरे को, अंदर ही रुकता मैं अभी, अंदर ब्लॉक करेंगे। किसी ने नाम लिखा है रे जी के सोमीनाथ, अरे भाई साहब उतने कोने पे चढ़ के भी किसी ने नाम लिखा है, खराब करने की चुल देखो तुम, देर इज नो लाइट बट स्टिल बैट्स की आवाज आ रही है मुझे, बर्ड्स है, आउल बैट्स है आई थिंक, ये देखो पिजन है, जगह जगह पे ये कबूतरों ने अपना घर बना चुके हैं, आवाज़ भी कर रहे हो लोग, चू 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 चालू इनका भाई, अंधेरा हो गया पता नहीं मेरे को, लो लाइट में ये दिख रहा है प्रॉपरली नहीं दिख रहा आई डोंट नो, बट जितना भी दिख रहा है आवाज़ सुनो आप, भाई मजाक नहीं, शाम में बिल्कुल हॉरर जगह बनती भाई ये हॉरर प्लेस हो जाती है भाई शाम में, अभी दिन में ही थोड़ा हॉरर लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत, तो रात में या शाम में तो भाई अलग ही सीन हो जाता रहेगा, इधर पूरी हॉरर हॉरर साइड भाई।
अलग अलग जगहों पे हम निकल के जा रहे हैं भाई, हमको भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो हाई लेवल आर्किटेक्चर के हिसाब से मतलब अंदर काफ़ी कॉरिडोर्स बने हुए हैं जिसमें मैं घूम रहा था अभी फिलहाल। तो अगर आप वो दिमाग में रख के अगर चले अंदर तो आपको समझ में आएगा कि अभी हम कहाँ है, कहाँ जाना है ऐसे इस टाइप में। तो पता नहीं मेरे को शायद रिपेयरिंग का काम इस पर हुआ है कि नहीं। ये इधर पत्थर है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टर है, शायद रिपेयरिंग का काम हुआ था। इसको मेंटेन गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही पता नहीं, व्हाट्स सो एवर। अमेजिंग आर्किटेक्चर, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, सीढ़ियों पे जाके आपको दिखाता हूँ। और भाई ये मिडल ऑफ द फोर्ट फाउंटेन है, फाउंटेन में पाइप गया हुआ है ऐसा। पुराने ज़माने में तो भाई मोटर वगैरह भी नहीं होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन तब भी फाउंटेन्स वर्क करते थे। कुछ टूरिस्ट लोग भी दिख जाएंगे आपको इधर ऑब्वियसली। टॉप का शॉट, इतने ऊपर जाने वाले हम भाई, बहुत ऊपर है यार। धूप थोड़ी सी अभी हार्श हो चुकी है, आप देख सकते हैं पूरा स्वेट आ चुका है मेरे को, स्वेटिंग। ठीक है सर, ये देखो सीन, हम लोग अभी धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम फोर्ट में अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे ऊपर की जगह हमको जाना पड़ रहा है। ठीक है, और जगह जगह मैंने देखा है, नोटिस किया है कि ऐसे पॉन्ड्स बने हुए जगह जगह पे। तो ये पॉन्ड्स शायद आई थिंक जो जानवर होंगे उनके, घोड़े कैमल्स, उनके लिए ये पानी के लिए बीच बीच में इन्होंने टैंक्स बनाए हुए हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं एक डेड एंड पे, एंड है लेकिन हम में है चुल, हम तो जाएंगे आगे। हम में जो नहीं दिखाता कोई वो हम दिखाएंगे आपको। क्या है ये, वे टू दरबार हॉल। भाई दरबार हॉल का रास्ता बंद हो गया भाई। भैया कब खुलेगा ये, कैमरामैन बता सकते हैं अब ये कब खुलेगा दरबार हॉल का रास्ता। यार टिकट तो दिए यार, फिर भी देखने नहीं दे रहे अपने को, खोल दो यार। पीपल आर चिलिंग आउट, कुछ लोग ग्रुप्स में आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग अकेले आते, कुछ लोग कपल्स में आते, मैं तो अकेले ही आया हूँ फिलहाल, मैं हूँ और हमारा कैमरामैन, अकेले कैसे हुए फिर हम। पर ठीक है भाई, और ऊपर होते जा रहा यार ये तो, कितना ऊपर है, रे 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 रे, थक जाते भाई इतना ऊपर चढ़ के। इतना ऊपर कैसा जाते, वो देखो टॉप फ्लोर ये ऊपर। मेरे को बड़ा मन हो रहा है यार ऊपर जाने का, इधर से देखोगे जाके, पकड़ो कैमरामैन। थोड़ा डिफिकल्ट होता जीन्स की पैंट में, बैगी जीन्स ऊपर से, पर ठीक है। यहाँ से स्टेयर्स है, तोप रखी हुई, तोप, चार तोपे भाई दागने के लिए तैयार भाई, फोर कैनन्स। ये लोग बैठे हुए यहाँ पर छाव में, छाव ढूंढ ढूंढ के एंजॉय कर रहे थोड़ा बैठ के, बिकॉज हीट भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है ना अभी। हम भी अभी चढ़ रहे ऊपर भाई, ये देखो सीन, यहाँ का नज़ारा। फुल टॉप पे तो नहीं है हम, लेकिन ऑलमोस्ट नज़ारा आ ही जा रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत। तो ये ओल्ड हैदराबाद और ये न्यू हैदराबाद भी दिख रहा है आपको यहाँ से। जाते ऊपर भाई, थोड़ा ऊपर आते आते हम लोग थक गए थे, थोड़ा यहाँ पर स्टॉप लिया है ये झाड़ के नीचे। ऊपर आते आते थोड़ा थक गए थे यार हम, और हमारा कैमरा भी गर्म हो गया था। ये क्या है भाई, पुराने ज़माने की जेल भाई, काला पानी की सज़ा है क्या ये। ठीक है जो भी है, काफ़ी हाइट पे है, और ऊपर जाने के बाद में आपको ऑलमोस्ट आधा हैदराबाद तो दिख ही जाता ऊपर से। हेलो ब्रो, पत्थर देख लो भाई, पत्थर सामने इतना बड़ा है, व्यू तो आ रहा है भाई सही से। थोड़ा सा और हाइट है वो ऊपर, जो कि हम यहाँ से जाएंगे ऐसा ऊपर। बचा कुछ भाई ऊपर जा रहे, अभी थोड़ा सा ही बचा है बोले, चलो बोले देखते।
आ जाओ भाई, फाइनली टॉप पे आ गया तुम्हारा भाई। बहुत एफर्ट लगे भाई, बहुत थक गया था, बीच में रुका भी मैं, पर ठीक है भाई, आ रहे ऊपर। चलो ओके बेबी, वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर भाई, टॉप पे। ऊपर दिखाओ, भाई यहाँ से आप पी भी सकते पानी ऐसे। मैन वर्सेस वाइल्ड में आपका स्वागत है। भाई देखो बियर्ड भी है, चले जाओगे सर, सांप बिच्छू मिलते भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड हो जाता फिर। चलो, और अगर भाई आप लोग रिलीजियस है, ऊपर टेंपल भी आप लोगों के लिए, तो ये जो टेंपल है ये जगदम्बा गॉडेस का टेंपल है। इतना स्टैमिना भी है आप में, ऊपर आके विजिट कर लो, उतनी भक्ति है आपके अंदर, तो भाई बिल्कुल आ जाओ डेफिनेटली। भाई ऑलमोस्ट आ तो गए हम लोग टॉप पे, यहाँ भी एक ओपन स्पेस दिख रहा मेरे को, बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट भी है, और क्या भाई शॉप वॉप दिख रही मेरे को, क्राउड तो है भाई ऊपर, जहाँ क्राउड नहीं जाता वहाँ हम जाते भाई, इधर कोई क्राउड नहीं, इधर मैं आ गया। पत्थर भाई बहुत बड़ा है, नीचे से दिख रहा था मेरे को। ओके सर, नीचे बुला लिए ब्रो, ठीक है, थोड़ी देर गए थे, दैट्स इट। भाई ये अगर ऊपर हॉल में आ चुके आप टॉप पे, तो फिर ये है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, चलते ऊपर। तो ज़रा तंग गलियों से जूझते हुए बहुत ही नैरो पाथवे है भाई ऊपर के लिए, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड बता मेरे को, नैरो स्टेयर केस, नैरो स्टेयर केस है काफ़ी भाई, मोटे लोग आराम से घुसो, हम तो पतले हैं, ठीक है, हम आ जा रहे इधर। या इतना हाइट पे होने के बाद में भी भाई ऑडियंस काफ़ी आ चुकी है इधर। ऊपर का सीन है, ये गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर है अभी हम इस वक्त, वी आर एट द टॉप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, और ब्यूटीफुल ब्लेंड है भाई, वहाँ पर देखो ओल्ड सिटी है, यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट है, और उधर साइड न्यू हैदराबाद है पूरा, हाईटेक सिटी, आईटी पार्क, मतलब वो ओल्ड हैदराबाद, दिस इज़ द गोलकोंडा फोर्ट, देन देयर वी हैव न्यू हैदराबाद, तो उधर साइड न्यू है भाई, देख सकते, कांच की बिल्डिंग है, शीशे की बनी हुई बिल्कुल, ठीक है। स्वेट तो मेरे को बहुत आ गया है भाई, एफर्ट भाई, ठीक है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो भाई इसी बात पे लाइक शेयर ठोक दीजिए यार, देखो आपके लिए इतना एफर्ट लेके मैं शूट कर रहा, ये पसंद आया तो ही करना लाइक, बट ठीक है ब्रो, विल डू इट। टॉप पर आके कुछ ऐसा सीन है, हॉल है, मोस्ट ऑफ द टाइम हॉल्स हमको काफ़ी दिखे इधर, हॉल्स, कॉरिडोर, टैंक्स, तो ये सब चीज़ें हैं इधर। भाई इधर से भी देख लो व्यू, माशाल्लाह भाई वंडरफुल। ठीक है, दो गैलरी भी है यहाँ पे, आई थिंक ये इधर झूमर उमर होंगे, पता नहीं पुराने टाइम पे। तो भाई ये था गोलकोंडा फोर्ट, आपको दिखाया हमने, ठीक है, सनराइज भी हम कैप्चर करते थे, लेकिन अभी सन पीक पे बिल्कुल, ठीक है, शाम का टाइम, अभी थोड़ा सा ज़्यादा धूप है। तो भाई अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा हमारा, तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कुछ अगर फीडबैक है व्लॉग को लेके, किसी चीज़ को लेके बता देना, और अगर हमने व्लॉग के दौरान अगर कुछ गलत बोल दिए या अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।